खगड़िया में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करना था, परंतु भारत और चीन बॉर्डर पर दोनों देश की सेनाओं के बीच हुए मुठभेड़ में भारत के 20 जवान सैनिकों की शहादत पर देश में शोक की लहर दौड़ गई और राहुल गांधी का जन्म दिवस कार्यक्रम को स्थगित कर देश में शहीद हुए वीर सैनिकों के लिए कांग्रेस कार्यालय खगड़िया में श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया तथा शहीद वीर सैनिकों के लिए 2 मिनट मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और मोमबत्ती जलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर नमन किए। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए खगड़िया जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान ने कहा कि आज राहुल गांधी के जन्म दिवस था, परंतु देश के वीर सैनिकों के शहीद होने पर कांग्रेस ने शहीद सैनिकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए जन्म दिवस कार्यक्रम को स्थगित कर शहीद सैनिकों के याद में शोक सभा एवं श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया। उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार को इसे दोषी ठहराते हुए कहा कि पुलवामा हमले में जो सैनिक शहीद हुए हैं वह भी आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, उनके परिजन को भी आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई तरह की राहत नहीं मिली। यह सरकार पूरी तरह से विफल है और सिर्फ भाषण करती है, काम नहीं करती। भारत और चीन के सीमा पर जो हमारे सैनिक अपनी जान की कुर्बानी दे करके हमारे देश की हिफाजत करते करते उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी है, आज उन्हीं के शहादत पर खगड़िया जिला कांग्रेस पार्टी 2 मिनट का मौन रखी है, शोक सभा का आयोजन किया है और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। हम इस शहादत दिवस पर उन वीर सपूतों को सलाम करते हैं और खगड़िया जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि ऐसे वीर सपूतों के कारण ही आज भारत देश सुरक्षित है। उनके बच्चे पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। बड़ी दुख की बात है कि हम लोग जन्मोत्सव नहीं मना रहे हैं। इसका कारण है कि आज मेरे देश में चीन और भारत की जो लड़ाई छिड़ी हुई है इसमें मेरे 20 जवान सपूत देश के लिए शहीद हो गए। आज मैं उन शहीद के लिए श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं। पूरे जिला खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग भी करता हूं कि आने वाले दिन ऐसा नहीं हो कि युद्ध चीन के साथ भारत को करना पड़े। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर पहल करें और आगे मेरा जवान शहीद नहीं हो इसके लिए कार्य करें। शहादत दिवस मनाने के लिए जो है हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ हम लोग जो है 2 मिनट का मौन रखते हुए उनके श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हम लोग सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो भी जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार को अविलंब मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कुछ दिन बीत जाने के बाद जो है इन लोगों के परिवार जो है दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।